बगावत से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झटके लगते जा रहे हैं। कुछ झटके उन्हें अपनी पार्टी से लग रहे हैं तो कुछ झटके MVA गठबंधन के सहयोगी दलों से। एक बार फिर से यही हुआ है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और MBA में दरार पड़ने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे सरकार के शासनकाल में BMC के वार्डों में हुए परिसीमन पर कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा ने सवाल उठाए हैं। मुरली देवड़ा सांसद हैं, वो उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। इस संबंध में एकनाथ शिंदे को पत्र लिखते हैं जिसमें BMC के कांग्रेसी पार्षदों की तरफ से हस्तक्षेप की मांग की गई है। देवड़ा ने आरोप लगाया है, साल 2017 के BMC चुनाव में जिन 30 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उनमें से 20 वार्डों का परिसीमन कांग्रेस को गंभीर नुकसान होने पहुंचाने की नीयत से किया गया, जिसमें इन वार्डों में एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए हेर फेर किया गया है। मिलिंद देवड़ा इस कड़ी में कुछ खत हैं, कुछ पेपर्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं। देवड़ा ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिंदे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी उन्होंने ट्विटर पर साझा की है। इस पत्र में देवड़ा BMC के हाल ही में संपन्न वार्ड परिसीमन और आरक्षण को रद्द करने का आग्रह करते हैं। इस ट्वीट के आगे उन्होंने लिखा है, मुंबई कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पात्र हैं। पत्र में देवड़ा कहते हैं, BMC में वार्डों को फिर से बनाने और आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परिसीमन और सीमांकन की कवायद के तहत फरवरी 2022 में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। नगर निकाय और राज्य चुनाव आयोग को लगभग 800 आपत्तियां प्राप्त हुईं, लेकिन उनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस नेता देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर सीधा सीधा हमला बोला है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में MVA गठबंधन पर पड़ना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।